पधारो मारे देश, आप ही का इंतज़ार था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस रीडिंग। अगर आप क्लिक करके आ गए हैं, ठीक है, मेक श्योर आप एंजल्स का शुक्रिया अदा करें, आप एंजल्स को थैंक यू बोलें और फिर हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, है ना। तो प्रभु का नाम हम ले चुके हैं, ठीक है, इस रीडिंग को शुरू करेंगे आज, और किसी भी तरीके का डिले आपको नहीं देखने को मिलेगा। करेंगे बातें आपसे बीच बीच में, पर उससे पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देती हूँ। सिंह राशि कुंभ है, धनु है, तुला है, ठीक है, वृषभ है, कर्क मुझे दिखाई दे रही है, और कर्क है, मेष है, ठीक है, सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है, फिक्र मत करिए। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, इन जनरल रीडिंग होने वाली है। अगर रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा, फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा, और अगर नहीं करती इसका मतलब दूसरी रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है। सो डोंट वरी, फोर्स मत कीजिएगा खुद को कि नहीं ये रीडिंग मेरी है। गुस्सा आ रहा है आपको, हो सकता है कि अब आप ना अपने गुस्से को दबाते हो। आप ये परेशान हो कि जब भी आप दूसरों का कुछ भला करने की कोशिश करते हो ना, दूसरे उस बात को समझते नहीं हैं। आप इस बात से परेशान हो कि जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, उसका सेम अप्रिसिएशन आपको मिलता नहीं है। देखिए, सभी इंसान हैं, हर किसी को अप्रिसिएशन चाहिए होता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अप्रिसिएशन अगर हम मांगना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर वो चीज़ जब आपको नहीं मिलती ना, आप खुद को पनिश करते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ टाइम से आप एक ऐसा लगता है कि होते होते एक तरीके से विक्टिम बन गए, एक तरीके से शिकार बन गए हो। आपको ऐसा लगता है आप कितना भी कर लो ना किसी के लिए, उतना कम है लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप कितना भी कर लो ना किसी के लिए, उतना कम है लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ना ही लोग आपको उस तरीके से समझते हैं जैसे आप लोगों के सिचुएशंस को समझते हो। मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी इस साल में फ्रेंडशिप्स। आपको ये लगता था कि लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, स्पेशली अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है, किसी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो आपके इंट्यूशन से आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा है भी तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ज़्यादा इस बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ना जाने क्यों आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा लगता है आप सताए हुए हो, ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं की गई है, आपकी कदर नहीं हुई है, और आप इस चीज़ से परेशान हो। देखो गाइस, एनर्जी सेम है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको अप्लाई कर रहे हो। वही सेम एनर्जी कि मुझे एक ही चीज़ कितनी बार बोलनी पड़ेगी, या फिर मेरी वैल्यू नहीं करता कोई, किसी को कदर नहीं है, चाहे आप उसे फैमिली से जोड़ रहे हो, फैमिली में आपके घर वाले हो सकते हैं। आपको अच्छा लगता है जब आपकी कोई बात सुनता है, जब आपकी कोई बात मानता है, वहीं पे फ्रेंडशिप्स रिलेटेड, तो आप अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे हो, तो ये चीज़ सही भी है, गलत भी नहीं है। दूसरी चीज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और जब जब ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो कमी है जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो वो बात है जिसकी वजह से लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे उनको देखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपके मन में आ रही है, काफ़ी टाइम से आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि दे आर लाइक विद टाइम ना, उनके मन में ना आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ रहा है विद टाइम। जो वो गुस्सा था ना, वो धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो हो पाया है डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। एक के बाद एक चीज़ें मुझे लगता है ये गार्ड्स ना फेंक रहे हैं आपके पर्सन, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो इनका शॉर्ट टेम्पर्डनेस हो, चाहे वो जेलेसी हो। जी हाँ, जेलेसी भी हो सकती है,
अगर आप दोनों सेम फील्ड में हो या एक ही तरीके का काम करते हो, मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ना जेलिसी का भी शिकार हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मेरे पर्सन है, देखो यार इंसान है, हो जाता है, हर कोई इंसान है, हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों प्यार से जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से दोनों ही आपस में लड़ रहे हो, दोनों ही आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, सोच रहे हो। पर कुछ ऐसा है आपके अंदर अच्छा है, कुछ उनके अंदर अच्छा है, ठीक है। देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत खुली हुई है, कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटोगे, कुछ भी हो जाए आप आगे रुकोगे नहीं, आपको सब चीज़ यूनिवर्स से मिली है, सब कुछ। और इस पर्सन का ये भी मानना है कि अगर ये आपको खुद के साथ जोड़े रखते हैं तो इस चीज़ में इनका भी बहुत बेनिफिट होगा, हर चीज़ में, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल फीलिंग्स हो। आई फील लाइक ये पर्सन इज़ वेरी मच थिंकिंग लाइक कि आपके साथ रहकर इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इनकी लव एनर्जीज़ फेक है, बिल्कुल भी नहीं, कि लव एनर्जीज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है, ठीक है ना। राधा कृष्ण जी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपका प्यार में फ़ायदा उठाएंगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा। पर एक चीज़ है, ये पर्सन सरेंडर नहीं करते आपके सामने, आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, यस और नो? कमेंट सेक्शन में लिखिए माय लव सरेंडर टू मी, माय लव सरेंडर टू मी, माय लव सरेंडर टू मी। आप ना बहुत ही, दोनों ही आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, उसकी वजह से क्या होता है आपके जो आइडियाज़ है या आप दोनों के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अनबन होती हो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसके अलावा यहाँ पे कोई और इशू नहीं है, स्पेशली एक चीज़ यहाँ पे कोई लेन देन हुई है, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल। अगर आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है इस पर्सन की वजह से, आप अपना काम नहीं कर पाए हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जब तक ये पर्सन आपके पास आते नहीं हैं तो तब तक आप अपने सारे काम करके डन रखो। मतलब मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस आए, पर आप ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपके कोई काम रुकें। तो ऐसा लग रहा है कि आप कल की तैयारी आज से ही कर रहे हो, सेम विद योर पर्सन। ये पर्सन आपको देखना आने वाले टाइम में प्रायोरिटी देने वाले हैं। अगले कुछ घंटों की कहानी मुझे ये नज़र आ रही है कि ना रात तक, आज रात तक ही ऐसा महसूस करेंगे, अगले कुछ 15-20 घंटों में या 6-7 घंटों में इनके अंदर एक शिफ्ट खुद ब खुद ही लाएंगे। आपके बारे में ये अच्छा अच्छा सोचेंगे, आपके बारे में ये पॉजिटिव चेंजेस। पता है एक चीज़ और, ओह माय गॉड, ये इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इस चीज़ को ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। दूसरी ओर देखो, पता है ये क्या सोच रहे हैं, जब इनकी हालत इतनी बुरी है आपके बिना, तो आप भी तो इंसान हो, आपकी भी हालत बहुत बुरी होगी इनके बिना, तो इस चीज़ को ये अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सन सोच रहे हैं कि अगर एक बार हम दोनों ही अपने अपने दुख बांटें, तभी तो हमें भी समझ आएगा कि हम दोनों के साथ एक्चुअल में क्या हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि सेपरेशन के बाद ना, या किसी भी लड़ाई के बाद, आप दोनों ना बिल्कुल कॉन्टैक्ट खो देते हो। फिर ये होता है उंगली दिखाना कि तुम करो कॉन्टैक्ट, मैं क्यों करूँ, हमेशा मैं क्यों करूँ। अब दोनों के बीच में ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। तो ये पर्सन खुद सोचते हैं कि ये आपके पास आए, ठीक है, ये आपके पास आए, एक 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 दोनों सामने आमने बैठो और फिर एक दूसरे से बात करो कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दे आर लाइक, ऐसा लग रहा है फुल टू क्लियर कम्युनिकेशन सामने बैठ के, और तब आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरप्राइज रखना चाहते हैं इस चीज़ को।
बहुत ज़्यादा सरप्राइज रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, हिंट नहीं देना चाहते, पर यह पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, बिकॉज दे नो यू आर इम्पॉर्टेंट, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तभी तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, ऐसे लग रहा काफ़ी टाइम की बात है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है और इस चीज़ को ये छुपा नहीं सकते, पर अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये हिंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिलने की बात है, मुलाकात की बात है, ये पर्सन आज रात तक, इस पर्सन के अंदर ये जो फीलिंग्स चेंज आएंगी, ये जो इनके अंदर आपके लिए केयर आ रही है, उसका नतीजा है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर लॉन्ग रीडिंग चाहिए, कितनी देर की चाहिए, कितने घंटे की चाहिए, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, फीडबैक देके ज़रूर जाना। थैंक यू।